हेलो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस में। इस वीडियो में आप करंट अफेयर से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। देखते हैं आज के क्वेश्चन। देखने से पहले हमने कल का सवाल जो पूछा था उसका आंसर बता देते हैं। वो क्वेश्चन था, किस राज्य ने प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया है? उसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। आज का पहला क्वेश्चन, पब्लिक में फेस मास्क अनिवार्य करने वाला पहला शहर कौन सा है? यह पहला शहर कौन सा है? मुंबई। क्वेश्चन नंबर टू, नासा के किस मिशन को सक्सेसफुल फेलियर के रूप में जाना जाता है? तो ये किसको जाना जाता है? अपोलो 13 को। क्वेश्चन नंबर थ्री, किस फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध कॉमेडियन बुलेट प्रकाश का हाल ही में निधन हो गया है? ये किस फिल्म इंडस्ट्री के थे? कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर फोर, भारतीय रेलवे ने देश में कोरोना वायरस COVID-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? उस वेंटिलेटर का क्या नाम है? जीवन। क्वेश्चन नंबर फाइव, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है? ये मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत लिया है? आयुष्मान भारत योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर सिक्स, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का COVID-19 से जुड़ी जटिलताओं के चलते हाल ही में निधन हो गया? ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? लीबिया के। क्वेश्चन नंबर सेवन, द्वितीय चरण में भारत में लॉकडाउन की अवधि कब से कब तक है? द्वितीय चरण जो आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा द्वितीय चरण में लॉकडाउन किया गया है उसकी अवधि कब से कब तक है? 15 अप्रैल से 3 मई तक, जो 19 दिनों का होगा। और प्रथम चरण कब से कब तक था? 24 मार्च से 14 अप्रैल तक, जो 21 दिनों तक रहा। आज जो 14 अप्रैल है, 21 दिन। क्वेश्चन नंबर एट, आईटी उद्योग की संस्था नासकॉम ने किस कंपनी के सीईओ प्रवीण राव को अध्यक्ष नियुक्त किया है? ये किसके अध्यक्ष हैं, किस संस्था के? इंफोसिस। क्वेश्चन नंबर नाइन, किस भाषा के मशहूर संगीतकार एमके अर्जुन का हाल ही में निधन हो गया है? किस भाषा के मशहूर संगीतकार थे एमके अर्जुन? ये मलयालम भाषा के। क्वेश्चन नंबर टेन, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हाल ही में कितने करोड़ रुपए के इमरजेंसी पैकेज को मंजूरी दे दी है? कितने करोड़ रुपए की इमरजेंसी पैकेज की मंजूरी दी है? 15,000 करोड़ रुपए। अब कल की तरीके से आज भी देखते हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें देश, राजधानी, मुद्रा और संसद का नाम दिया हुआ है। इसमें पहला देश है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या है? नाव पी आओ। यहाँ की मुद्रा है क्यात और संसद को क्या बोला जाता है? पीथू हलुत्तो। सेकंड है देश चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग। मुद्रा का नाम यहाँ पे रेन मिनबी। यहाँ की संसद को बोलते हैं पीपुल्स कांग्रेस। नेक्स्ट है सऊदी अरब। इस देश की राजधानी है रियाद। यहाँ की मुद्रा को बोलते हैं रियाल और संसद का नाम है मजलिस अल सुरा। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया देश। यहाँ की राजधानी है कैनबरा और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और संसद को बोला जाता है यहाँ पे पार्लियामेंट। भारत में भी संसद को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। कल के क्वेश्चन में आप लोगों ने पहला ही क्वेश्चन इसका पढ़ा था। नेक्स्ट है अर्जेंटीना देश। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और यहाँ की मुद्रा है अर्जेंटीना पेसो और संसद को बोला जाता है यहाँ पे नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट दिया हुआ है देश बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। यहाँ की मुद्रा को यूरो बोलते हैं और संसद को सीनेट। नेक्स्ट दिया है बुल्गेरिया। बुल्गेरिया की राजधानी है सोफिया। यहाँ की मुद्रा को बोला जाता है लेओ और यहाँ की जो संसद है उसको बोलते हैं नेशनल
असेंबली। लास्ट दिया हुआ है ब्राजील देश, ब्राजील ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया, या फिर इसको ब्राजिलिया भी कहीं कहीं पे बोला जाता है, और इसकी मुद्रा को बोलते हैं रियल और संसद को नेशनल कांग्रेस। और आज सवाल देख लेते हैं, किस संगठन ने चैलेंज कोविड 19 प्रतियोगिता शुरू की है, किस संगठन ने चैलेंज कोविड 19 प्रतियोगिता शुरू की है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट के माध्यम से बताना है। धन्यवाद।